फिल्म को दर्शक पसंद कर रहे हैं और हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप धर्म बाजी और सनी देओल से सीधे बात कर सकें, उनके सामने आप अपनी राय रख सकें कि आपको फिल्म कैसी लग रही है। और वो दोनों हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आइटम सॉन्ग्स की और टिंकू जिया का जिक्र आया था, टिंकू जिया को भी काफी पसंद किया जा रहा है, तो आगे बढ़े उससे पहले एक बार धर्म बाजी आपकी इजाजत हो तो टिंकू जिया सुनवा दें दर्शकों को। प्रवीण, ऐसे लग रहा है आपके दिल में मेरे लिए बहुत चाहत है, देवल से बहुत चाहत है, आप जीत भर के सुनाइए सबको। चलिए तो फिर ये गाना हम दर्शकों को एक बार सुना, ये पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना, तो ये गाना दर्शकों को सुनवाते हैं। गाने को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया और आइटम सॉन्ग्स के ऊपर एक लंबा डिस्कशन हो चुका है अभी ब्रेक से पहले, ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है। लेकिन धर्मपाजी, यहाँ पर एक सवाल जहन में सबके आ रहा होगा, क्या ये गीतकार की इजाद है टिंकू जिया या किसी का वाकई में निकनेम है, ये टिंकू कहाँ से जनरेट हुआ और टिंकू जिया कैसे ये वर्ड निकल आया? ये हमारी जो लड़की सिंगर है उसी ने लिखा ये गाना भी और गाया भी उसी ने है। बहुत बहुत ही गुणी लड़की है वो, बहुत अच्छा गाती भी है और लिखती भी खुद है, उनका खुद का लिखा हुआ ये गाना है। संजय हमारे साथ कानपुर से, वो आप लोगों से बात करना चाहते हैं। संजय आप बात कर सकते हैं? हेलो जी संजय, आप बात कर सकते हैं? हाँ जी रामेन जी नमस्कार, नमस्कार। हाँ मैं सर आपको बड़ा फैन हूं सर जी, मैंने आपकी कोई पीछे छोड़ी नहीं अभी तक जितनी रिलीज हुई है, और दिल जी आपके तो डलाक सर बड़े सर सुपर हिट और सर गाने सर बहुत अच्छे लगते हैं आपके सर। सर मेरे फादर भी सर आपके बहुत बड़े फैन है सर, 62-63 एज है सर, और सर उन्होंने आज तक कोई पिक्चर नहीं। क्या बात है, इसीलिए तो 50 साल तक चलता आ रहा हूँ ना मैं, आपके प्यार ही ने तो मुझे जिंदा रखा हुआ है। ये खूबसूरत बात है कि हर एज ग्रुप में आपकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। सनी, जब आप पापा के साथ काम करते हैं तो कंपटीशन महसूस होता है? पापा के साथ कंपटीशन कैसा, पापा पापा मैं उनका बेटा। धर्म जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये रहा कि आपके बेटे तो आपके साथ काम कर रहे थे, खासतौर पर बॉबी जो सबसे छोटे हैं। बॉबी से भी एक फिल्म के दौरान मेरी बात हुई थी और मैं जानता हूँ कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कई जगह फिल्म में उसको कॉमिक सीक्वेंस को और एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी बातें थी जो सुनने वाले भी चौंक रहे थे, जिनका मैं जिक्र भी अभी नहीं कर सकता। तो वो कितना कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल बॉबी के लिए था आपके लिए उस लहजे में बात करना कि वो अपने पिता से इस तरह से बात कर रहे हैं? वो क्या इस तरह से, वो दोनों एक्चुअली दोस्त होते हैं तो बाप बेटे, लेकिन उसको बचपन से ही मैंने इस तरह से पाल पोस कर, मैं कहूंगा कि मैंने उसको खराब किया है, बुरा बनाया है, तो वो कहाँ तक बुरा बन सकता है, लेकिन उसके अंदर भी प्यार है बहुत ही, जब भी वो कहीं ऐसे शब्द यूज करता है उसमें मोहब्बत है, उसमें कुछ तलखी नहीं है। वो मैं जानता हूँ मुझे कमीना कहा, तू बड़ा कमीना है धर्म, लेकिन वो एक दोस्ती की इंतहा है कि बाप बेटे में ऐसी दोस्ती हो सकती है, जैसे शोले में मेरी और जय की दोस्ती थी अमिताभ जी के साथ, उसी तरह इसमें मेरे ख्याल से बाप बेटे की ये दोस्ती पहली दफा आई है स्क्रीन पर,
बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको पेश किया और उसमें बहुत प्यार है, इमोशनल होते हैं तो उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार है बाप। वो कहता है ना कि मेरा बाप भी है, मेरी माँ भी तू है, उस सारे थ्रू आउट उसको हक हो जाता है कि वो कमीना कमीना कहने में बड़ा मजा आया, लेकिन अच्छा लगा। मुझे याद है राजपूर जी की फिल्म देखी थी मैंने आवारा, आवारा फिल्म थी, वो दोनों बाप बेटे थे, उसमें केमिस्ट्री की थोड़ी मिकदार बढ़ जाती है और थोड़ी बढ़ जाती है उसमें। एक सीन आता है उसमें भी ऐसे ही था कुछ, राज साहब को पता नहीं कि पृथ्वीराज उसके बेटे हैं, दोनों को पता नहीं, तो एक जगह उसको पकड़ के उसकी पीछे से उसकी बाह मरोड़ देते हैं और कहते हैं, तो राजपूत कहते हैं कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे कमीना शख्स समझता था, आप तो मेरे भी बाप निकले। और हालांकि हम आप दोनों बाप बेटे हैं, तो वो बड़ा वहां बहुत सही बैठ गया था। इसलिए इसमें भी बहुत जहां जहां भी उसने कुछ बोला है बहुत अच्छा लगा है, लोगों को पसंद आया होगा जरूर। सही, यही केमिस्ट्री आपकी और बॉबी की थी, क्योंकि आप बड़े भाई हैं रियल लाइफ में, बॉबी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन तू तुकारे से कई जगह पर यहाँ पर। खैर, आप लोग आर्टिस्ट हैं तो जब आप कलाकार होते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, बिल्कुल अलग आपकी लाइफ होती होगी, लेकिन जब एक परिवार साथ में काम कर रहा है तो क्या कंफर्टेबिलिटी फैक्टर कहीं आता है? डेफिनेटली जब हम इकट्ठे काम करते हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हम वैसे तो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जब हम शूटिंग साथ में कर रहे हैं उस वक्त हम ज्यादा इकट्ठे होते हैं, बिकॉज हमें मौका इकट्ठे रहने का ज्यादा होता है। नहीं तो मैं कहीं शूटिंग कर रहा होता हूँ, पापा कहीं होते हैं, बॉबी कहीं होता है, तो जब हमने अपने जब की और जब ये पिक्चर की तो ज्यादा मैक्सिमम टाइम जब हमने एक दूसरे के साथ बिताया वाज ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म। चंद्रजीत है हमारे साथ नोएडा से, ये आपसे बात करना चाहते हैं। जी चंद्रजीत जी, आप बात कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार धर्म जी। हाँ नमस्ते, खुश रहिए, खुश रहिए। आपको 50 वर्ष आपने पूरे किए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, सो मच। और हम चाहेंगे आप इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहें और यमुना बगला दीवाना जैसी अच्छी अच्छी फिल्में लाते रहें। जी जी, बस मैंने भी अब तय किया हर साल आपको एक अच्छी फिल्म जरूर दूंगा। मैं भी कैमरे के बगैर नहीं रह सकता, कैमरे के सामने आना मतलब आपके पास रहना है। आई लव यू ऑल ए लॉट एंड फॉर दैट आई विल डू माय बेस्ट टू बी लव्ड एंड टू लव यू ऑल। अभी आप लोगों से बातचीत के पहले कई रिव्यूज हैं जो मैं पढ़ रहा था कि क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं फिल्मों के बारे में, क्योंकि क्रिटिक्स का अपना नजरिया होता है। अच्छा लगा कि मैक्सिमम क्रिटिक्स ने फिल्म को पसंद किया है, उसकी कॉमिक टाइमिंग को पसंद किया, लेकिन एक कमेंट जो सब में कॉमन देखने को मिलता है वो ये कि इस फिल्म में सबसे बेहतरीन कौन लग रहा है, तो सभी का कहना है कि धर्मपाजी इसमें सबसे अच्छे लग रहे हैं। ये हो सकता है यंगस्टर्स को चौंकाने वाला थोड़ा सा हो, लेकिन इसका राज क्या है? और सनी, क्या आप भी मानेंगे कि इस फिल्म में ज्यादा खूबसूरत, ये यहाँ पे मैं एक्टिंग की और दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिखने में लुक वाइज बेहतरीन कौन दिख रहा है? डेफिनेटली पापा हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट हैंडसम मैन एंड दैट विल ऑलवेज बी, एंड देयर इसके बारे में दो बार, आई मीन यू कांट से एनीथिंग एल्स बट इट, ही इज डेफिनेटली द बेस्ट एंड दैट्स द वे इट इज। बस वो उसका मालिक का मैं तो कहूंगा, और मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा बनाया, पता नहीं, मुझे तो कभी अपने आप को अच्छा नहीं लगता, मैं तो कहता हूँ यार इसको भी रीटेक कर लो सनी, जल्दी से शॉट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये दोबारा डब कर लेते हैं। जब लोग कहते हैं तो मुझे अपने आप पे डाउट होने लगता है, फिर मैं शीशा देखता हूँ कि यार हूं मैं कि नहीं हूँ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। बट बहरहाल बहुत ही सबका जी जान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों के दिलों में मेरे लिए इतना प्यार है आज तक, और मुझे अच्छा खूबसूरत इंसान कहते हैं, तो बस इससे मेरे हौसले और बुलंद हो जाते हैं, और इस तरह जी जान से आपको मैं प्यार देता रहूंगा। अभी हम कभी कोई किसी हीरोइन का या किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उस वक्त खूबसूरती का राज उनसे पूछा जाता है, और महिलाएं जो हैं वो उत्सुक भी होती है जानने के लिए कि भाई इनकी खूबसूरती का राज क्या है, इनकी खूबसूरती का राज क्या है। तो मुझे लग रहा है अभी जितने लड़के आपको देख रहे होंगे, पुरुष आपको देख रहे होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे इनकी खूबसूरती का राज क्या है, क्योंकि अभी आजकल पुरुष भी खूबसूरती कॉन्शियस हो गए। मेरे ख्याल से ये जो प्यार मिलता है वो हमारी आत्मा को छूता है और आत्मा चेहरे पे आ जाती है। और वो प्यार अभी भी मिल रहा है, कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं। हरभजन है दिल्ली से, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हरभजन, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो जी, बोलिए। हाँ हेलो हेलो, सत श्रीकाल पाजी, सत श्रीकाल जी, जी पाजी, थोड़े को गिला है कि
कि तुझे इतने दिन फिल्मा कर दिया बंद कर देती है और ना टीवी पे आते थे, और यकीन करो या ना करो अभी थोड़ी फिल्म देखते हैं, दूसरी फिल्म देखते ही नहीं। नहीं बस मैं हूं अभी कौन कम वक्त है जो कैमरे से दूर जाना चाहता है यार। ये तो कई दफा होता है कोई अच्छी कहानी नहीं मिलती, कुछ वक्त ऐसा होता है हम नहीं कर पाते। मैं तो कहूंगा बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो इस तरह से मैं तो चाहता हूँ जितनी अभी हम कहानी आगे फिक्र हो जाती है, तलाश में अच्छी कहानी मिलेगी, जल्दी जल्दी हम आएंगे सब मिलकर भी और अलहदा अलहदा भी। सर ये माफी चाहूंगा, अभी खूबसूरती की बातचीत में आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं भी भूल गया। अच्छा आपको क्या लगता है, आपको भी बड़ा समय हुआ, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक हीरो के लिए दिखना, उसके लुक्स जो है वो कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इतने सालों बाद भी, और आपके फादर की खूबसूरती का राज आपको क्या लगता है? देखिए बहुत एक्टर के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो ही मेंटेन्स हिज लुक्स हेल्दी एंड फ्रेश, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पापा हैज बीन बेसिकली नेचुरली ब्लेस्ड विद जेनेटिकली विद द लुक्स ही हैज, एंड डेफिनेटली ही हैज बीन वर्किंग, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड ऑफ लेट ही डज अ लॉट ऑफ योगा, एंड इट्स आई से ईट प्रॉपरली, एंड डेफिनेटली जितना आप लोग स्वेट आउट करेंगे, स्वेट आउट मीन्स गेम्स खेलेंगे या वर्कआउट करेंगे, दैट्स काइंड ऑफ उससे पूरी शरीर की एक इंटरनली पूरी एक रोटेशन हो जाती है ब्लड की, एंड इट किल्स अवे ऑल द सेल्स, बैड सेल्स, और रिजुविनेट होता रहता आदमी। बाकी डेफिनेटली एवरीबॉडी इज टू हिमसेल्फ। पापा की इस बात से आप कितने इंस्पायर्ड हैं, और आपको लगता है कि अभी इंडस्ट्री में आप भी ऐसा लंबा समय दे पाएंगे आगे? जरूर, क्यों नहीं, आई एम हिज सन, सो डेफिनेटली वेयर एवर ही रीचेस वी विल बी देयर बिहाइंड हिम। राज है हमारे साथ, आपसे कुछ कहना चाहते हैं? जी राज, आप बात कर सकते हैं। जी शनि जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी, पहनी पहना जी जरा। सर जी मैं यही गल करना चाहता, यह जरा स्टार्ट किया फिल्म का सीकुएंस साडा पंजाबियों का, मैं यही कहना चाहता कि जो सनी जी है ते अपने बॉबी जी है ते तुसी हो, ते फिल्मा दा सीक्वेंस जारी रखे भाई, मेनू बड़ा चंगा लगता थोड़ा सीक्वेंस, तुसी तीनो जो मैं बाद देखते हो स्क्रीन ते एक नवा ही जोश आ जांदा सर। नहीं नहीं जरूर करांगे, ते सारियां पिक्चर बनावांगे, ते पूरी हुण कोशिश है कि असीं इहदा भी पार्ट 2 करिए, और ये अच्छी तो अच्छी पिक्चर बनावांगे जरूर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है। आप लोग जब साथ में आते हैं नो डाउट दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था धर्मपाल जी और सनी, शुरुआत में बातचीत में हमने ये कहा था कि कैसे जब आप तीनों के अलग अलग फैंस एक जगह पे आते हैं और वो देखते हैं कि बेटे की और पिता की किस तरह की केमिस्ट्री पर्दे पर देखने को मिलेगी, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसको थोड़े थोड़े अंतराल में करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और या ये सीक्वेंस बहुत तेजी से आने लगा तो लोग इसे कहीं बोर ना हो जाए, इस चीज का भी डर लगता है? नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, उस ढंग से देंगे जिसकी मिकदार हजम हो जाए अच्छी तरह, ज्यादा मिकदार देने से अच्छा भी नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा, हम लोग प्लान कर रहे हैं पिक्चर ऐसी बनाए जो दिल को छू जाए, उसमें तीनों हो नहीं हो दो हो, लेकिन उसका जो थीम कहानी का अच्छा हो, थ्रेड अच्छा हो, स्क्रीन प्ले अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छे हो, तो लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल हम सोच समझ के करेंगे। तो बहुत सी बातें आती हैं जब लोग हिट पिक्चर चल जाती है तो तीनों के साथ साल में दो साल में करेंगे, कुछ ना कुछ करते जरूर रहेंगे ऐसा जो सबको पसंद आए।